तो अभी YouTube पर जो है कब्जा का टीजर लॉन्च हुआ है और सच में जैसा इसका नाम है कब्जा, इसने YouTube पे कब्जा कर रखा है क्योंकि YouTube पे ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चल रहा है। और टीजर देखने के बाद हमें जो है इस टीजर में ये बताया जा रहा है कि अभी इंडिया में बहुत बड़ी चीज होने वाली है और बहुत लोगों का तो ये कहना है कि ये मूवी जो है डायरेक्ट KGF से कनेक्ट करेगी क्योंकि इसका जो टोन है बिल्कुल KGF की तरह टोन है, हाँ उससे थोड़ा ज्यादा डार्क है। तो ये क्या सच में KGF से कनेक्ट करेगी या नहीं करेगी ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। तो हम इस टीजर के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो जैसे ही टीजर स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होता है अपने एक डार्क टोन से, जैसे कि KGF अपने डार्क टोन से स्टार्ट होता है और जैसे ही आप इस टीजर को आगे देखते रहते हो तो आपको पता चलता है कि बिल्कुल KGF वाली वाइब दे रही है, जैसे उसमें BGM थे, जैसे उसमें कैमरा सीन्स थे और बाकी के सीन थे बिल्कुल सेम लग रहे थे देखने में। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो इसमें हमें जो है टेक्स्ट में बताया जाता है कि इंडिया में भी बहुत बड़ी चीज होने वाली है और खुद की हिस्ट्री भी क्रिएट करने वाली है। लेकिन सबसे मेन चीज जो मुझे गौर करने के लायक लगी वो था ये कि स्टोरी लाइन कब की चल रही है, ये चल रही है 1942 की। और इस मूवी में एक चीज और नोटिस करने वाली है, मैप वाला सीन, इस मैप में पाकिस्तान अभी भी इंडिया के साथ में है कि मतलब कि अभी भी अंग्रेजों का राज इंडिया पे है, तो ये उस पे भी स्टोरी चलेगी और उस टाइम पे एक गैंगस्टर जो है बड़ा होगा। खैर फिर टीजर में हमें बस यही दिखाया जाता है और सबसे मस्त चीज इसका BGM मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। टीजर यहीं पे खत्म करते हैं। अब ये बात करते हैं क्या KGF से कनेक्ट करेगी, या KGF की कॉपी है या उसका रीमेक है। तो सबसे पहले मैं कंफर्म कर देता हूँ कि KGF की रीमेक नहीं होने वाली है क्योंकि इसमें कहीं भी होमबली स्टूडियो जिन्होंने KGF को प्रोड्यूस किया था उनका जिक्र एक बार भी नहीं हुआ है, तो इसके तो बहुत कम चांसेस है कि उसकी रीमेक होने वाली है। लेकिन कॉपी हाँ ये हो सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये मूवी एक कॉपी ना होके KGF से कनेक्ट कर जाए डायरेक्ट। और सच बता रहा हूँ अगर ये KGF से कनेक्ट करेगी 1942 में तो सिनेमा हॉल में आग लग जाएगी, फैंस पागल हो जाएंगे। और मैं सच में चाहता हूँ कि KGF से कनेक्ट कर जाए, लेकिन ये तो डायरेक्टर्स और राइटर को ही पता होगा कि आखिर इसकी स्टोरी क्या होने वाली है। खैर ज्यादा हमें बारे में तब पता चलेगा जब इसका ट्रेलर लॉन्च होगा क्योंकि उसी वक्त जो है हमें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में पता चलेगा और भी बहुत सारे खुलासे होंगे। तो अभी ये चीज प्रिडिक्ट करना कि ये KGF से कनेक्ट करेगी या उसकी कॉपी है या उसकी रीमेक है ये मेरे ख्याल से गलत। तो अभी बस हम एक ही काम कर सकते हैं कि इसके ट्रेलर का इंतजार करना, तो बस इंतजार करिए, उसके बाद डिसाइड होगा कि क्या ये सच में उसकी कॉपी होने वाली है या उसका रीमेक होने वाला है या उससे कुछ कनेक्ट करेगी। बाकी ट्रेलर के लिए खुद का पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो हाँ मैं मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ, इस टीजर को देख के मुझे मजा आया और मैं ट्रेलर के लिए भी एक्साइटेड हूँ और मैं इस मूवी को पर्सनली एक चांस देना चाहता हूँ। अगर ये मेरी एक्सपेक्टेशन पे खड़ी उतरी तो सच में ये इंडिया की ब्लॉकबस्टर होने वाली है। खैर बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, आपको मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा जुड़ सकते हो मेरे साथ। बाकी टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में।